हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आई एम लीसा एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी सो आज की वीकली हॉरीस्कोप बेस्ड ऑन योर जोडिक साइन मैं शेयर करने वाली हूँ विद ब्यूटिफुल टेरोडेक एंड विद अ ब्यूटिफुल एंजल कार्ट ओके सो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प अवेलेबल है सन मून आप जिसको भी फॉलो करते हैं उस बेसिस पे इस रीडिंग को देख सकते हैं एंड विल स्टार्ट दिस वीक डिस्क्रप्शन में आप अपने टाइम स्टैम पे जैसे ही टैप करेंगे तो आप अपनी रीडिंग को जान पाएंगे तो जान लेते हैं इस वीक में पर्सनल प्रोफेशनली और इवन एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए क्या सरप्राइजेज एंड क्या वार्निंग आने वाले हैं सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग हाय अरीज जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली So, personal लाइफ वी हैव द क्वीन ऑफ wands एंड अगर हम करियर की बात करें तो आपके लिए है यहाँ पर द devil एनर्जी सो पर्सनली एंड प्रोफेशनली दोनों एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव एनर्जी हैं क्वीन ऑफ wands पर्सनल लाइफ की बात करें तो यू आर कमिंग वेरी मच satisfied हैप्पी एंड सिक्योर इस वीक में आप बहुत ज़्यादा सभी से कुछ यू you नो know, बहुत ज़्यादा सोशल होना या अपने सीक्रेट्स को शेयर करना या आपके मन में जो चल रहा है उस चीज़ को शेयर करना ऐसा नहीं करने वाले हैं यू आर लेस एक्सप्रेसिव यू आर लेस ओपन अप यू आर लेस यू नो

और आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे इंडिपेंडेंट फील करेंगे सो ग्रेट यहाँ पर अपने इंट्यूशंस को बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए जो आपकी इंट्यूशंस कह रही हैं वो ही सच है इसी के साथ डेवल आपके करियर के लिए आ रहा है तो करियर में आपको यहाँ पर नेगेटिव वाइब्स देखने को मिलेंगी कुछ कॉम्पिटिशन और आयदर सम मैनुपलेटिव पीपल और आयदर सम काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन जहाँ ऑब्सटिकल्स हैं और आपको उसमें से अपने लिए या अपने वर्क को या अपने टास्क को पूरा करने में ज़्यादा एफर्ट्स डालने होंगे मीन्स दिस वीक करियर वाइज इज नॉट सो ईजी सम ब्लॉकेज समाइज सम एन वी सम जेलसी सम काइंड ऑफ नेगेटिविटी नज़र लगना या कुछ ऐसे लोग जो आपके लिए बैरियर बनने की कोशिश करेंगे सो इट्स अ पीरियड जहाँ आप अपने कुछ काम को लेके वेट करना पड़ सकता है स्टक फील हो सकता है या ज़्यादा आप मनी माइंडेड रहेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप टारगेट्स और जल्दी से जल्दी काम हो जाए मतलब पेशेंस खो रहे होंगे आप ज़्यादा चीज़ों को लेकर ओवर एक्साइटमेंट आपका रहेगा ठीक है सो लेट्स सी क्या दिख रहा है आपके लिए औरल गाइडेंस सो फर्स्ट वी हैव पीपल स्टार्ट टू हील लिसन सो पीपल स्टार्ट टू हील द मोमेंट दे फील हर्ट तो आप कहीं ना कहीं और लोगों की जो आपके अगर कोई आपको कुछ शेयर कर रहा है किसी को पेन है कोई प्रॉब्लम है तो आप उनको ज़रूर उनकी बातें सुने साथ ही साथ आप भी अपनी बात को कोई ऐसा कोई नियर एंड डियर वन है तो उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं बट इंडिविजुअली नॉट विद एवरीबडी इट्स कमिंग वेरी वेरी क्लोज पर्सन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी को कुछ एक्सप्रेस करें अनदर थिंग इज़ स्पेस The quality of your life has more to do with what you remove from your life than what you add to it. So it's good कि अगर आप अपने लाइफ को फिल्टर करें स्पेस क्रिएट करें देखें कि क्या आपके लिए एक्चुअली में important है तो उसको अपने स्पेस में अपनी लाइफ के अंदर लेकर आएँ और जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको आप बाहर निकाल दें ओके सो इट्स टाइम टू क्लियर द स्पेस आई होप नाव यू आर माई गेटिंग पॉइंट सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एरीज एंड अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है पर्सनली क्वेश्चन के आंसर जानने हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी और अगर आप इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं फोकस्टॉल्स फॉर लकी जैम स्टोन एवरी सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए आई विल सजेस्ट यू दिस इज़ ऑल बाय हाय टॉरस देख लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली सो पर्सनल लाइफ वी हैव एनर्जी एंड प्रोफेशनली वी हैव द सिक्स ऑफ सॉट्स और टॉरस इट्स अ विन विन वीक क्योंकि यहाँ पर पर्सनली यू आर इन अ सेल्फ केयर मोड यू आर मोर फीलिंग लाइक पॉजिटिव यू आर फीलिंग मोर हील्ड यू आर फीलिंग मोर लाइक स्पेशल आप अपने अपने केयर अपने लव अपने फ्रेंडशिप अपने आस पास में आपका बहुत ही ज़्यादा काम कम्पोज ये फेस जाएगा जहाँ आपके आसपास लव सपोर्ट तो मिल ही रहा है साथ ही साथ यू आर कमिंग मोर एंड मोर इंडिपेंडेंट मीन्स आप ज़्यादा सेल्फ केयर सेल्फ लव सेटिस्फैक्शन पीस कामनेस ऑथेंटिसिटी नेचर इन सबसे आप ज़्यादा कनेक्ट होंगे सो इट्स अ हीलिंग पीरियड रिकवरी पीरियड और रीट्रीट ऐसे होता है ना हम अपने आप को रिबूट कर रहे हैं उसी फेज में आप दिख रहे हैं जहाँ पे आप अपने आप को वापस से अच्छी हेल्थ और अबाउट योर बॉडी अबाउट योर मेंटल पीस अबाउट योर लाइक हेल्थ केयर मेंटल केयर सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे इसी फेज़ में आपको कोई ऐसा पर्सन भी मिल सकता है जो आपको ज़्यादा लव सपोर्ट एंड केयर करेगा एंड यू फील वेरी ब्लेस्ड विद इट तो इट्स अ हैप्पी टाइम आपके लिए ये सेटिस्फेक्शन का है सिक्स ऑफ सॉट यहाँ करियर को लेके आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं और ज़्यादा चीज़ों को जान रहे हैं ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं कुछ चीज़ों को फिगर आउट कर रहे हैं और इट्स ऑल अबाउट लाइक यू नो इफ़ यू आर चूजिंग सम न्यू डायरेक्शन और अब्रॉड और आयदर आप कुछ चीज़ों में चाहते हैं कि आपके इस काम को हो जाए तो आप आगे बढ़ जाएंगे तो यह इट्स अ ग्रेट वीक जहां आपको कुछ चीज़ें अपने फेवर में होती नजर आएंगी और जिस चीज़ की वजह से आप आसानी से अपने काम को लेकर आगे बढ़ जाएंगे आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस या कि आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा ऐसा नहीं होगा यू विल ईजिली एबल टू ओवरकम एवरीथिंग इन योर करियर सो इट्स अ हैप्पी टाइम टू और लकमी सी आपके लिए और कल गाइडेंस क्या है सबसे पहले तो डिसीज़न इट्स इम्पोर्टेंट वॉट काइंड ऑफ डिसीज़न यू आर टेकिंग क्योंकि डिसीज़न ही हमारी डेस्टनी होती है हम क्या डिसीजन ले रहे हैं वो ही हमारी डेस्टनी को क्रिएट करता है तो आप भी अपनी डिसीजन पर ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं आप क्या फाइनलाइज हो रहा है व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू डिसीज़न लेते वक्त राइट एंड रॉन्ग सब चीज़ों को ऑब्जर्व करें इट्स इम्पॉर्टेंट इसके अलावा आपके लिए और गाइडेंस है यहाँ पर हैप्पीनेस इट्स टाइम टू चूज़ हैप्पीनेस ओके क्योंकि नेगेटिविटी तो बहुत है ही आसपास में और बहुत कुछ है जो अनहैप्पी या फिर सेटिस्फैक्शन का नहीं है लेकिन हमें ये भी देखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में हैप्पीनेस ला रही हैं सो इट्स टाइम टू चूज़ हैप्पीनेस दैट्स वॉट योर हैप्पीनेस योर चूज़ ओके तो ज़रूर ध्यान दीजिए कि आप अपनी हैप्पीनेस को खुद चुनते हैं तो ऑब्जर्व दैट एंड ब्रिंग दैट स्माइल ऑन योर फेस सो दिस इज़ ऑल फॉर यू आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट सो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी और इफ़ यू वॉन्ट लकी जैम स्टोन्स एंड क्रिस्टल्स तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं आई विल सजेस्ट यू बाय हाय जमिनाइन जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है सबकॉन्शियसली एवरीथिंग रिलेटेड टू यू वी हैव द सेवन ऑफ पेंटिकल इन पर्सनल लाइफ एंड करियर की बात करें तो वी हैव देंग मैन सो जमुनाइन ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पर्सनली अगर हम बात करें सो यू आर कमिंग इन अ वेटिंग मोड और वेट हो रहा है कुछ ऐसी चीज़ों का जो आप जिसके साथ डेडिकेटली इन्वॉल्व हैं या जिसमें आपने एफर्ट्स डाले हैं या जिस चीज़ को लेकर अब आप इम्प्रूवमेंट या होप कर रहे हैं कि अब ये आपको मिलना चाहिए सो इट्स अ वेटिंग पीरियड और पॉज मोड जहाँ आप आउटकम का वेट करेंगे होप करेंगे विश करेंगे कि आपको रिवॉर्ड्स मिले और सेटिस्फ़ैक्शन आए साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए कुछ अगर आपने पास्ट में कुछ एफर्ट्स डाले कुछ कोशिश करी कुछ डेडिकेशन आपकी तरफ से रहा है तो इस वीक में आपको कुछ सरप्राइजेस भी देखने को मिलेंगे जो यूनिवर्स आपके लिए चाहते हैं जो यूनिवर्स आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं सो इट्स अ वेरी हेल्दी पीरियड जहाँ आप अपनी पर्सनल लाइफ में पीस सेटिस्फैक्शन लव कम्युनिकेशन और आयदर कुछ डिसीजन मेकिंग कुछ कंक्लूजन्स आप यहाँ पे एज एन रिवॉर्ड में पाएंगे ओके सो इट्स अ ग्रेट पीरियड बट हाँ वेट करना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि वेट इज़ इम्पॉर्टेंट है तो पेशेंस रखना होगा इस वीक में इसी के साथ आपके लिए आ रहा है यहाँ पे हैंग मैन और दिस हैंग मैन इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग कि करियर में कुछ चीज़ें आपके लिए यहाँ स्टक देखने को मिलेंगी जो काम या कोई प्रोसेस या फिर कुछ चीज़ें जो आप अभी इंस्टेंटली होप कर रहे थे तो वहीं आपको उसमें सॉल्यूशन नहीं देखने को मिलेगा और आप ऐसा फील करेंगे कि अब क्या करें कैसे फिगर आउट करें हाउ टू ओवरकम दिस ऑब्स्टिकल और प्रॉब्लम तो यही इस वजह से एनर्जी दिख रही है कि आप अपने माइंड में ऐसा कंफ्यूज रहेंगे कि क्या करना चाहिए नहीं ये करें या वो करें क्योंकि यू आर हैंगिंग इन बिटवीन तो कुछ जर्नी पे आप जहाँ पे आप फ्लोलेस बहुत स्पीडली कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे थे या चाह रहे थे तो वहाँ आप आपको कुछ रुकावट फील होगी ठीक है इसी में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ये रुकावट की एनर्जी तो आ ही रही है लेकिन यहाँ पर ये भी आ रहा है कि आपको अब कुछ नए तरीके से सोचना होगा यू हैव टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स इफ़ यू वॉन्ट समथिंग रियली ग्रेट कुछ आगे बढ़ना चाह रहे करियर में तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है लेटमी सी जमनाइन आपके लिए औरल गाइडेंस क्या है? हैप्पीनेस फर्स्ट यू नीड टू चूज़ हैप्पीनेस क्योंकि अगर आप हैप्पीनेस अपने मन से मानेंगे चाहेंगे तभी आप अट्रैक्ट कर पाएंगे हैप्पीनेस को एग्जैक्टली ओके अनदर मैसेज फॉर यू इज मूव योर फ्यूचर लॉन्ग टर्म प्लान देखो वही मैसेज आ रहा है जो मैं बता रही थी यहाँ पे हैंगमैन भी ये बता रहा है सैवन पेंटिकल लॉन्ग टर्म की प्लानिंग आपके एफर्ट्स सब कुछ ईजिली आपके फेवर में होंगे इट्स टाइम फॉर यू एज एन टू चूज़ आ लॉन्ग टर्म न्यू जर्नी इट्स इंपॉर्टेंट क्योंकि हैंगमैन बता रहे है, आप स्टक् हैं रुके हुए हैं तो कुछ फिगर आउट करें सॉल्यूशन एंड देन यू विल फाइंड द फाइनली गुड रिजल्ट सो दिस इज़ ऑल आई होप नू हैव दिस क्लैरिटी एंड अपडेट मी ऑल द गुड न्यूज़ और आपके साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी एंड इफ़ यू वॉन्ट लक्की क्रिस्टल्स एंड जैम स्टोन तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए आई विल सजेस्ट यू बाय हाई कैंसर जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली सो पर्सनली वी हैव द एट ऑफ सॉट एंड प्रोफेशनली अगर हम बात करें आपके करियर को लेकर तो वी हैव टू ऑफ वानस ओके सो पर्सनली कैंसर आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपनी चीज़ों को ले कर अगर मैं बात करूँ तो ओवर थिंक भी कर रहे हैं एंड फीलिंग स्टक सो इट्स नॉट अ वेरी पॉजिटिव वी क्योंकि यहाँ आप जो भी छोटी मोटी भी कोई टेंशन होगी छोटा मोटा भी कोई वरीज होगी तो भी आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ में ओवर इमोशनल हो सकते हैं या फिर सेंसिटिव ज़्यादा रहेंगे सो so, ऐसी कंडीशंस बन रही हैं जहाँ पे आप मेंटली अपने आप को ऐसा फील करेंगे कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं ये सिचुएशन आप रिजॉल्व नहीं हो पा रही है हाउ कैन आई डू दिस आई एम हेल्पलेस आई एम स्टक हेयर ऐसा आपको फील होगा आपके आसपास की कंडीशन ऐसी बनेगी ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट परस्पेक्टिव एंड इट विल चेंज इट्स नॉट इट जस्ट अ वन वीक एनर्जी सो डू नॉट वरी बट हाँ चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें भी थोड़ा टेंशन बना सकती हैं साथ ही साथ टू ऑफ वांट्स आपकी जो करियर की बात करें तो करियर में यू आर कमिंग विथ फ्यूचर प्लान्स एंड यू आर कमिंग विथ सम चॉइसेस। इस वीक में आप कुछ चॉइसेस को लेके ज़रूर सोचने वाले हैं कि अब मुझे ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए या फिर मुझे इस ऑप्शन को ऑप्ट करना चाहिए वो पर्सनल ही प्लानिंग के साथ हो या फिर आपके करियर में आपकी सक्सेस या सैलरी या ग्रोथ की बात हो कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को फिगर आउट करेंगे ऑप्शंस को देखेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या है अच्छा स्टेबिलिटी कहाँ है ये सारी चीज़ें आप इस वीक में सोचने वाले हैं आपके लिए ट्रैवलिंग एज वेल एज़ सम लोकेशन चेंज और आइदर सम समथिंग फ्रॉम अदर लोकेशन और फ्रॉम द डिस्टेंस थोड़ा दूर से चीज़ें आपके लिए देखने को मिल सकती हैं जिसमें आप अपने आप को एंगेज करेंगे कोऑर्डिनेट करेंगे ओके सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी लेट मी सी आपके लिए एंजल मैसेज क्या है सो फर्स्ट इज़ इन्विटेशन इट्स टाइम फॉर इन्विटेशन इट्स टाइम टू ब्रिंग मोर हैप्पीनेस देखो आप यहाँ पर एग्जॉस्ट हो रहे हो इसलिए आ रहे एंजल मैसेज आ रहा है कि इट्स टाइम टू बी हैप्पी वेलकम द लव वेलकम द हैप्पीनेस वेलकम स्मॉल स्मॉल स्वीट सक्सेस ऐसा करने से जो भी सिचुएशन चल रही है वो सब रिजॉल्व हो जाएगी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं बनेगी ओके okay. साथ ही साथ अनदर मैसेज फॉर यू एज एन एंजल मैसेज वी हैव चॉइसेज देखो यही तो आ रहा था मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल सिचुएशन मल्टीपल इशू इशूज जो आपके आसपास है हैं उन चीज़ों को लेके आप अब दूर की प्लानिंग करेंगे कि अब मुझे किस तरफ आगे फॉरवर्ड होना चाहिए या किस वे में आगे बढ़ने की ज़रूरत है सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू आई होप नाव यू हैव दिस क्लैरिटी सो विशिंग यू वेरी गुड लक एंड आई अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स एंड जैम स्टोन सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं आई विल सजेस्ट यू ओके बाय हाय लियो जान लेते हैं इस वीक की आपकी एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ सो पर्सनल लाइफ वी हैव द स्ट्रेंथ सो लियो आप अपने ही फॉर्म में रहने वाले हैं एंड वी हैव द ब्यूटिफुल एनर्जी ऑफ द टेम्परेंस ओके फाइन देखो दोनों ही जगह अच्छी एनर्जी है लिओ ये वीक आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ को लेके पावर का है कॉन्फिडेंस का है और रूलिंग का है इस वीक में ऐसा हो सकता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रहे, या आप डिसीजन मेकर बने, या आपको ही सिचुएशंस को हैंडल आउट करना हो जिसमें कि बहुत काम कंपोज पेशेंस मतलब एक अपनी जेंटल सोल को सामने शो करेंगे इवन अगर आपको गुस्सा आ रहा होगा आप कंट्रोल कर लेंगे इवन आपको ऐसा लगेगा कि इट्स टाइम टू गिव अप आई डोंट वांट या कुछ चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा फिर भी आप उसको मैनेज कर लेंगे तो आप यहाँ पे आ रहे हैं कि यू आर हैंडलिंग एंड मैनेजिंग सो वेल सो इट्स अ पीरियड जहाँ पे आपको मल्टीपल सिचुएशंस मल्टीपल इश्यूज और आय द मल्टीपल वर्क प्लान पर्सनल लाइफ में जो भी हैं वो सब आपके सामने आएंगे और आपको वो सब कुछ एग्जीक्यूट करना होगा लाइक अ गुड मैनेजर ओके सो ये ऐसा ही वीक है जहाँ पर आपको अपने ईगो इम्पेश या फिर मैं बोलूँ टेंशन एंगरनेस सब चीज़ों को आप काम कर रहे हैं रिलैक्स कर रहे हैं एंड फोकसिंग ऑन वर्क इसी के साथ यहाँ पर आ रहा है आपके लिए द ब्यूटिफुल एनर्जी ऑफ टेम्परस एंड दैट इज़ ऑल इंडिकेटिंग दैट कि कहीं ना कहीं आप इस वीक में अपने करियर को लेके कुछ फ़्यूचरिस्टिक देखने वाले हैं कुछ ऐसा प्लान करने वाले हैं कि जहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि नाउ व्हाट्स एक्चुअली आई वांट टू डू व्हाट एक्चुअली आई कैन सी एंड वेयर आई नीड टू सपोज टू बी यू नो हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है कैसे प्लान करना है वॉट इज़ समथिंग रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी तो ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं कि फ्यूचर कैसा होगा और मुझे अब क्या क्या टास्क करने चाहिए या फिर मेरे लिए क्या बेस्ट है तो ये एक पीरियड दिख रहा है आपके लिए लियो जिसमें आप अपने करियर में लाइफ परपजस लाइफ सोल आ, वर्क और आइदर यू नो योर गोल योर टारगेट्स उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे सो लेट मी सी आपके लिए यहाँ पर है सेल्फ वर्थ देखो आप अपने आप को सेल्फ लव दे रहे हैं केयर दे रहे हैं आप अपने आप को अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं यू आर अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ ये इसलिए तो कर रहे हैं आप क्योंकि आप यहाँ स्ट्रेंथ आप यहाँ पे सिचुएशन को संभाल रहे हैं सो so आप अपने आप में अप्रिशिएट करेंगे अपने आप को यू विल फील लाइक लव यू आर लविंग योर सेल्फ ओके सो दिस इज़ ग्रेट और ये करना चाहिए आपको ये आपके लिए गाइडेंस भी आ रही है अपने आप में इतना हार्श मत होइए आप अपने आप को पॉजिटिव मान के चलो लव योर सेल्फ

हाई वर्गो लेट सी आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है इट्स योर सीजन सो विश यू ऑल आ हैप्पी बर्थडे सो लेट मी सी आपकी एनर्जी पर्सनल लाइफ में है सेवन ऑफ सॉट एंड करियर में आपके लिए आ रहा है यहाँ पर ओके हाई प्रस्टिस सो पर्सनल लाइफ की बात कर लेते हैं सबसे पहले हेयर वी हैव द सेवन ऑफ सॉट ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पर आपको बहुत एक्टिव एंड अटेंटिव रहना होगा आई मत से ज़्यादा केयरफुल uh, रहना होगा क्योंकि इस वीक में आपको कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक हैं अपना काम किया तो आगे बढ़ गए या कहाँ जहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत हुई तो दे आर नॉट गोइंग टू टेक अ स्टैंड दे आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू तो यहाँ कुछ आपको ऐसे अनएक्सपेक्टेड या फिर uh, इस तरीके के पर्सन मिल सकते हैं जो लॉयल्टी शो नहीं करेंगे सो अवेयर रहिए साथ ही साथ कुछ पास्ट कनेक्शन बहुत दिख रहा है तो वो कोई एक्स हो या फिर कोई कम्युनिकेशन या कोई पास्ट की कुछ रिलेटेड चीज़ें जो आपको आगे बढ़ने में रोकेंगी कुछ इमोशनल स्ट्रेस मान लिए या फिर हम मेमोरीज़ की बात कर लें या फिर कोई ऐसे पर्सन जिनकी वजह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है जो आपकी मेमोरीज और साथ ही साथ आपकी अटैचमेंट से रिलेटेड है सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस बट हाँ ट्रस्ट बिल्कुल भी किसी पे मत कीजिए क्योंकि इस वीक में यहाँ पे अगर आप किसी पे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं तो वो फुलफिल नहीं होगी दूसरी चीज़ आपके लिए यहाँ पे आ रहा है हाई प्रस्टेस एंड करियर को लेके तो आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेज स्किल लर्निंग हायर स्टडी और मोर एंड मोर रेपूटेट लाइक रेपुटेटेड जॉब या अपनी रेपुटेशन की बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो ऑनर का चीज़ दिख रहा है सब कुछ कि यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर सेल्फ़ एस्टीम सेल्फ रेस्पेक्ट सो ये वीक ऐसा है जहाँ पर हायर अथॉरिटी से कम्युनिकेशन और आइधर बॉस मैनेजर और टीचर प्रोफेसर और आइधर गवर्नमेंट यू नो डिपार्टमेंट इन सब से आपका इंटग्रेशन हो सकता है इन्वॉलमेंट हो सकता है आपके काम से रिलेटेड साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पर एक ऐसा वीक होगा जहाँ सिचुएशंस कुछ अलग होंगी और आपका माइंड कुछ और कह रहा होगा यहाँ पे आपके लिए राइट एंड रॉन्ग का कन्फ्लिक्ट दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशंस ये कह रही है कि ऐसा करना चाहिए बट द ऑल अराउंड यू द पीपल देयर आर माइंड सेट देर सोशल प्लान्स वो बहुत डिफरेंट तो वह आप अपने आप को फील करेंगे कि हाँ अब मुझे क्या करना चाहिए तो आप यहाँ पर करियर वाइज ज़्यादा बेहतर आ रहे हैं पर्सनली आपका माइंड बार बार फ्लक्चुएट होगा लेट मी सी वर्गो आपके लिए फर्स्ट है इनविटेशन इट्स टाइम टू वेलकम लव और बिल्कुल भी आप पीछे स्टक मत रहिए इट्स टाइम टू गो हैड विद फ्यूचर लव अफेक्शन हैप्पीनेस डू नॉट टोटली स्टक विद द पास्ट ओके इसी के साथ आपके लिए अनदर मैसेज वी हैव सक्सेस सक्सेस इज़ कमिंग टू यू एज एन सरप्राइज टू बी रेडी एंड आप अपने नॉलेज अपनी ऑथेंटिसिटी अपने पावर के साथ आगे बढ़े ऐसा करने से आपके फेवर में चीज़ें हो जाएंगी सो दिस इज़ ऑल फॉर यू वर्कू आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट सो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी एंड इफ़ यू वॉन्ट क्रिस्टल्स एंड जैम स्टोन सो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए आई विल सजेस्ट यू बाय हाय लिब्रा जान लेते हैं इस वीक की आपकी एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली सो पर्सनल लाइफ वी हैव द थ्री ऑफ वान्स एंड प्रोफेशनली वी हैव द टू ऑफ कप ओके सो देखो आपके लिए यहाँ पे लिब्रा थ्री ऑफ वान्स आ रहा है इन पर्सनल लाइफ जहाँ पे आप अपने लिए आगे फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं यू आर कमिंग एक्साइटेड एंड पॉजिटिव एंड आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान देंगे कि अब मुझे आगे क्या कैरी फॉरवर्ड करना है और क्या नहीं करना वॉट टू फॉरवर्ड एंड वॉट टू नॉट व्ट टू डिसाइड व्ट टू लीव एंड समवेयर आप अपनी इस जर्नी को लेके ये भी सोचने वाले हैं इस वीक में कि क्या ये वर्दी है विल इट गोना वर्क इज़ इट आई एम ओके जितना मैं अपने एफ़र्ट्स या मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ या फिर मैं जितना डेडिकेशन दे रहा हूँ या दे रही हूँ इज़ इट गोना वर्क और नॉट सो जब हम इन बिटवीन जर्नी में डाउट्स करते हैं या सोचते हैं या फिर हम अपने आप में चेक इन करना चाहते हैं कि क्या हम सही पाथ पे हैं सो एज़ पर थ्री ऑफ वॉन्ट्स इट्स अ हैप्पी हैप्पी टाइम इट्स नॉट अ नेगेटिव टाइम इट्स अ गुड पीरियड जहाँ पे आप अपने आप को एक तरीके से रिचैक कर रहे हैं और अपने फ्यूचर के प्लान्स को पॉलिश कर रहे हैं यू आर प्लानिंग इट यू आर गेटिंग रेडी यू नो अपने अपकमिंग स्टेप्स को लेके सो इट्स अ गुड टाइम यहाँ पे कोई पर्सन आपको ज़रूर वेट करा सकता है अपने डिसीजन मेकिंग में अगर आप अपने पार्टनर से कुछ बात कर रहे हैं यू वांट सम मैरिज कमिटमेंट्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट सो वहाँ उनकी तरफ से वेट आपको देखने को मिलेगा वो डिसाइड करने में टाइम लगाएंगे ओके दैन वी हैव टू ऑफ कप और दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू इन योर करियर देर इज़ अ पार्टनरशिप देर इज़ अ बॉन्डिंग देर इज़ अ गुड गोइंग ये वीक अच्छा है जहाँ पर आप अपनी चीज़ों को आगे लेके जाएंगे आपको जो सपोर्ट चाहिए आस पास से आपको जो बैलेंस चाहिए अपने पर्सनल प्रोफेशनल वर्क में या मल्टीपल टास्क अगर आपके पास है तो आप आसानी से उनको आगे लेके जाएंगे और ये वीक आपके लिए सपोर्टिव भी दिख रहा है मतलब इट्स इंडिकेटिंग कि हाँ आप Uh, किसी से आप इक्वल यू नो एक्सचेंज कर रहे हैं चीज़ें कोलैबोरेशन कर रहे हैं और आप क्लाइंट से कम्युनिकेशन कर रहे हैं सो इट्स अ गुड पीरियड ओके लेट मी सी आपके लिए यहाँ पे एंजल मैसेज क्या है फर्स्ट थिंग गुड गर्ल पावर समवेयर वो एक अच्छा होना अच्छे अच्छे रहना और अपने लिए स्टैंड नहीं लेना ऐसा आपको नहीं होना है जो सही है जो सही होना चाहिए आप उस तरीके से स्टैंड लीजिए आपकी कोई इसलिए नहीं कि जस्ट कि किसी को आप इम्प्रेस कर देंगे इस वजह से आप अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा मत कीजिए ठीक है इफ़ यू फाइंड इट पॉजिटिव तो ही स्टैंड लीजिए तो जो सही है उसकी तरफ आप आगे बढ़ें अच्छा बन के सिर्फ मतलब प्रिटेंट करने से कुछ नहीं होगा ओके अनदर थिंग आपके लिए इंटेंशन आपको अपनी इंटेंशनस क्लियर रखनी होगी जैसे मैं अभी बात भी कर रही थी कि आपके मन में क्या है आप कितना प्योरली किसी को रेस्पेक्ट लव या केयर करते हैं साथ ही साथ आपकी खुद की इंटेंशन टुवर्ड्स योर फ्यूचर क्योंकि जो भी आप इंटेंशन रखेंगे वो ही मैनीफेस्ट होगी सो फोकस ऑन दैट कि आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या है क्या इंटेंशन है क्या प्लान करके चलना चाहते हैं उस बेसिस पे ही आपके लिए फ्यूचर यहाँ अपकमिंग वर्क करेगा सो कीप योर इंटेंशन ट्रू प्योर एंड पॉजिटिव सो दिस इज़ ऑल विशिंग यू आर वेरी गुड लक पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी यू वॉन्ट क्रिस्टल्स एंड जैम स्टोन तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए आई विल सजेस्ट यू बाय हाय स्कॉर्पियो जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली सो पर्सनली वी हैव द नाइन ऑफ पेंटिकल स्कॉर्पियो इट्स अ गुड टाइम एंड करियर वाइज अगर हम देख रहे हैं सो वी हैव द थ्री ऑफ बॉन्स सो स्कॉर्पियो इट्स अ हाई टाइम जहाँ पर आप अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे क्योंकि पर्सनली नाइन ऑफ पेंटिकल यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम विद यू विद योर प्लेजर विद योर सेटिसफेक्शन इट कुड भी वैकेशन इट कुड भी लाइक रिलैक्सिंग और आई दर जस्ट इमोशनली एंगेजिंग विद ऑल द थिंग्स जो आपको हील करता है यहाँ पर आप खुश भी हैं और हैप्पी भी हैं लेकिन आप बहुत सारे लोगों के साथ गेट टुगेदर या फिर बहुत ज़्यादा पब्लिक uh, पीपल इनके साथ नहीं दिख रहे हैं आप खुद में खुश हैं खुद में अपनी स्पेस में खुश हैं आप अपने ऐसा बोल माने कि यू आर हैप्पी विद योर हार्ट एंड माइंड यू आर हैप्पी इन साइड ओके एंड दिस इज़ द रीज़न हियर एवरीथिंग इज़ कमिंग सिक्योर सेटल एंड सेटिस्फेक्शन और आप इमोशनली बहुत ज़्यादा रोमेंटिक uh, या बहुत ज़्यादा इन्वॉल्विंग विद अदर्स ऐसा नहीं दिख रहा है यू आर कमिंग मोर लाइक अ विद अ क्लोज डोर सो so, ये पीरियड ज़्यादा प्रैक्टिकल दिख रहा है प्रैक्टिकली यू आर विद योर रिसोर्स एंड एंटरटेनमेंट इन्जॉयमेंट आप अच्छा फील करेंगे सो इट्स अ गुड पीरियड बट नॉट विद एवरीबडी कि आपको बहुत लव रोमांस या फिर नियर एंड डियर वंस के सपोर्ट देखने को मिलेगा इसी के साथ मतलब यहाँ पे आप इंडिविजुअल दिख रहे हैं इंडिपेंडेंट सो यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट अदर्स और यहाँ आपके करियर में लॉन्ग टर्म जर्नी दिख रही है यू आर कमिंग वेरी क्लियर एंड फोकस टुवर्ड्स योर फ्यूचर प्लान आप एक्शन भी वैसे ही ले रहे हो और आपकी ये एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है कि यहाँ पे आप फ्यूचर की स्टेप कुछ मेजर डिसीजन भी लेंगे कि आप किस चीज़ को फॉलो अप करना है और किस नहीं करना सो इट्स अ हाई टाइम जहाँ पे आप सीरियस दिख रहे हैं अपने प्लानिंग्स को ले अपने काम को ले और अपने वर्क को लेकर और साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं क्योंकि जिस जर्नी पर आप चल रहे हैं वो सक्सेसफुल होगा लेट मी सी आपके लिए औरकल गाइडेंस क्या है सो फर्स्ट वी हैव द रिस्क समेर देर इज़ अ रिस्क देर इज़ अ सोचुएशन जहाँ पर आपके लिए ऐसा फाइनलाइज आपको कुछ करना पड़ सकता है कि वॉट टू फोकस ऑन एंड वॉट टू नॉट यहाँ पे अगर आप कुछ चीज़ों को लेकर अपनी कुछ विशेज रखते हैं कुछ अपनी प्लानिंग रखते हैं तो हाँ आपको ये भी देखना होगा कि उसमें कितना प्रॉफिट है कितना रिस्क है ऑब्जर्व एवरी थिंग लाइक दिस एंड देन वी हैव

ओके सो दिस इज ऑल आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग आपको लेनी होगी एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स जैम स्टोन सो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं ओके बाय हाय सजिटेरियस जान लेते हैं आपके लिए वीक की एनर्जी क्या है मी सी वी हैव द थ्री ऑफ कप और we have the two of wands. okay. So Sagittarius ये कैसा period दिख रहा है जहाँ पर आपके लिए बात करें So personal life में you are coming in enjoying, having fun, party and very comfortable time, very cozy period. So ये एक अच्छा period है जहाँ पर love, support, bonding सब कुछ आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आप अपने लिए या अपनी family, अपने friend circle में बहुत ज़्यादा comfortable and close कनेक्शंस में सेलिब्रेशन कर रहे होंगे सो इट्स अ हैप्पी टाइम इन्जॉय एंड यस आपको जिनसे आप बहुत टाइम से नहीं मिले हैं या फिर जहाँ पे आप अपने आपको, आप को अब आप, आप पर्सनली कनेक्शन बनाना चाहते हैं या थर्ड पर्सन का कोई इन्वॉल्वमेंट कोई नए पर्सन का आपकी लाइफ में आना ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शोशली देखने को मिलेंगी सो so यह भी आपको ध्यान देना होगा कि कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले सकते हैं या आपके ग्रुप में या आपके रिलेशनशिप में जिनको आप नहीं सोच रहे थे या एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे या फिर उनका इन्वॉल्वमेंट आपको हो सकता है पसंद नहीं आए ऑल दो यहाँ पर एक चीयरफुल पीरियड है सो so ज़्यादा आपको पसंद ही आने वाला है डू नॉट वरी एंड यू विल गोइंग टू इट अ लॉट ओके साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पर है टू ऑफ वनस ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ आप करियर में कुछ चॉइसेस को लेकर आगे बढ़ेंगे कि अब मुझे ये फ़ाइनली एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए इस डायरेक्शन में मुझे को मूव होना चाहिए या ये मेरी प्लानिंग लॉन्ग टर्म की होगी क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आप अपनी चॉइसेस को बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस कर रहे हैं कि ठीक है फाइनली दिस इज़ माय वे आउट और यहाँ पे अब्रॉड हो या लोकेशन चेंज हो या फिर एक ऑप्शन को छोड़ के दूसरे ऑप्शन की बात हो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को यहाँ पर शफल कर रहे हैं एग्जाम कर रहे हैं ठीक है इस वीक में सो लेट मी सी आपके लिए औरल गाइडेंस क्या है फर्स्ट इज एक्शन देखो आप आगे बढ़ रहे हो अपनी जर्नी एक्शन की तरफ तो आप यहाँ पर इस टाइम जहाँ पे आप एक्टिवली एक्शन लेंगे टुवर्ड्स योर प्लान अनदर थिंग आपके लिए यहाँ पर लेटमी सी चॉइसिज एंड दिस इज़ वॉट वी आर सेग अब नंबर ऑफ ऑप्शन चॉइसिस के साथ आप यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि वॉट इज़ एक्चुअली बेटर एंड ग्रेट फॉर यू सो दिस इज़ द पीरियड जहाँ पर आपके लिए हैप्पी पीरियड है आई मस्ट से सैटिस्फाइंग पीरियड है गो हैड विथ कॉन्फिडेंस इस वीक से आपको बहुत कुछ अच्छा वर्दी मिलेगा सो दिस इज ऑल अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो so, वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए आई एल सजेस्ट यू बाय हाय कैप्रिकॉन जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली सो पर्सनली वी हैव द एट ऑफ पेंटिकल कैप्रिकॉन आप हमेशा बहुत ही एफर्ट्स डालते हैं अपनी सारी चीज़ों पे सो ग्रेट एंड वी हैव द फोर ऑफ सॉट सो आपकी पर्सनल लाइफ की बात करी जाए तो पर्सनल लाइफ में यू आर डेडिकेटली पुटिंग एफर्ट्स मेकिंग थिंग्स वर्दी आपका मेहनत आपकी तरफ से कोशिश आपकी तरफ से एंगेजमेंट सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं और आप बिज़ी भी बहुत दिख रहे हैं मतलब ये कैसा वीक है जहाँ आप अपनी पर्सनल लाइफ में खुद सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ नहीं रिलेशनशिप नहीं आप अपनी फैमिली या फिर कोई गोल कोई रेस्पांसिबिलिटी हर चीज़ में काफ़ी बिजी एंड एंगेज रहेंगे तो आपको वी इस वीक में बहुत फुर्सत नहीं मिलने वाली है आप बहुत रिलैक्स एंड डीप स्लीप या फिर आप बस हॉलीडे स्पेंड कर रहे हैं ऐसा नहीं होगा ये वीक ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आप डेडिकेटली विदाउट डिस्ट्रैक्शन आप एफर्ट्स पुट ऑन कर रहे हैं चीज़ों को रिस्पॉन्सिबली यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं वहीं पे आपको दूसरे पर्सन आपके पार्टनर आपके जो नियर वंस हैं डियर वंस हैं उनकी तरफ से भी डेडिकेशन देखने को मिलेगा और उसी बेसिस पे आपके लिए यहाँ पे ग्रोथ भी हो रही है अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं अच्छा आउटकम आ रहा है सो दैट्स लवली अनदर थिंग यहाँ पर आपके लिए आ रहा है फोर ऑफ़ सॉड एंड दिस फोर ऑफ़ सॉड एनर्जी इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग है कम्प्लीट करियर को ले कर यहाँ पर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और ये प्लानिंग ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है ये एक प्लानिंग है जहाँ पर आप अपने मन में सारी चीज़ों को रीअनालिस कर रहे हैं पास्ट की जो हो चुकी हैं उनको हील कुछ लॉस हो गया तो उसको रिकवर कि ठीक है चलो इट इज़ एक्सेप्टेबल एंड लाइक दैट और अपकमिंग अब नए टास्क क्या होंगे तो ये एक पॉज पीरियड आ रहा है इसमें बहुत एक्टिव मोड में आप नहीं दिख रहे हैं क्योंकि अभी आप थिंकिंग की जोन में दिख रहे हैं यू आर नॉट टेकिंग एक्शंस यू आर थिंकिंग यू आर कमिंग मोर वनडरिंग यू आर मोर कमिंग लाइक अ थाटफुल पर्सन जो हर चीज़ को यहाँ पर ऑब्जर्व एंड फाइनलाइज करने से पहले जैसे हम प्लान करते हैं सो इट्स अ प्लानिंग मोड करियर में भी आप इस वीक में प्लानिंग मोड में रहेंगे प्लान करेंगे और बहुत लोगों से आप ज़्यादा कन्वर्सेशन भी नहीं कर रहे हैं यू आर मोर लाइक इन हाउस आप अपने आप में बात करना अपने आप से सोचना बार बार थॉट्स लेकर आना ये आपका टाइम पीरियड रहेगा हेल्थ को लेके भी थोड़ा ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा रेस्ट करना चाहें क्योंकि यहाँ पे आप रेस्टिंग मोड में ही दिख रहे हैं ठीक है करियर आपका जैसे पॉज एंड थिंकिंग में आ रहा है वहीं पर्सनल लाइफ में आप ज़्यादा एक्टिव एंड बिल्कुल डेडिकेटली चीज़ों को कर रहे हैं हाँ ये ज़रूर है आप जब यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि सारे एफर्ट्स मैं ही डालता हूँ या डालती हूँ सारी चीज़ें मुझे ही करनी पड़ती हैं ऐसा आपके माइंड में आएगा लेट मी सी आपके लिए ओरिकल गाइडेंस क्या है सोव्रेन देखो आपके लिए एक किंग एंड क्वीन की एनर्जी आ रही है सो इट्स ऑल यू आप वर्दी हैं आप स्पेशल हैं और यू आर अ किंग यू आर अ क्वीन तो डेफिनेटली आपको ही सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी तो अपनी वर्थ को समझें एंड देन गो अड आप ये डिजर्व करते हैं अगर कोई आपको नहीं भी दे रहा है तो भी यू हैव टू बिलीव इन दिस एंड ब्यूटी इट्स ऑल अबाउट ब्यूटी इट्स ऑल अबाउट पीस इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग समथिंग जहाँ आप खुश रहें सुकून से रहें सेटल रहें बेटर रहें ठीक है इस तरीके से आपको अपने फ्यूचर की प्लानिंग करनी है द ब्यूटी यू हैव टू सी द ब्यूटी इन थिंग्स एंड देन वर्कआउट ओके सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहेंगे तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स और जैम सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए आई विल सजेस्ट यू बाय हाय एक्वेरियस जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली सो पर्सनली वी हैव द फूल और प्रोफेशनली वी हैव द थ्री ऑफ सॉट ओके सो so फाइनली ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे पर्सनली आपके लिए एक्वेरियस एक नई जर्नी देख रही है अ न्यू जंप अ न्यू एक्सपेरिमेंट और अ न्यू रिस्क मतलब आप इस वीक में अपने लव रोमांस के मूड में रहने वाले हैं जो आपका मन है वो आप वो करेंगे आपको जो प्लेजर देता है वहाँ जाएंगे आपको जो लोकेशन पसंद है आप उस जगह के लिए अपनी एनर्जी को फोकस कर रहे हैं इट्स गोइंग टू बी अ गुड पीरियड फॉर न्यू लव और आइदर न्यू कनेक्शन अटैचमेंट एंड अट्रैक्शन आप यहाँ पे केयर फ्री विद नो टेंशन नो रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे कदम बढ़ाएंगे बट इस वीक में आप ये जरूर सोचने वाले हैं कि क्या ये आगे सही है क्या मुझे और इन्वॉल्व होना चाहिए शुड आई टेक स्टेप फॉरवर्ड शुड आई मूव शुड आई टॉक शुड आई बी ओपन अप इस तरीके से क्योंकि जो भी आप कुछ करने वाले हैं इस वीक में पर्सनली उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिस्क और डाउट्स भी रहेंगे क्योंकि आपने उस चीज़ को पहले कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है एंड यू विल गोइंग टू थिंक कि क्या मैं अब इसमें आगे बढ़ जाता हूँ या फिर मुझे इस बारे में सोचने की ज़रूरत होगी सो इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी ओके इसी के साथ लेकिन ट्रैवलिंग लव फन आ रहा है तो इन्जॉय दिस पीरियड और यहाँ आ रहा है आपके लिए थ्री ऑफ सॉट करियर में आपके लिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न दिख रहा है माइंड एंड हार्ट के बीच में चॉइसिस के बीच में साथ में कुछ रिजेक्शन या डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है कि ये ऐसे होना चाहिए था बट नहीं हुआ या ये आउटकम आना चाहिए था बट हुआ नहीं या वेट करना पड़ रहा है सम काइंड ऑफ ब्लॉकेज और रिजेक्शन जहां आपको कुछ ऐसा फील होगा कि दिस इज नॉट वर्किंग यू हैव टू थिंक अगेन यू हैव टू वर्क ऑन दिस यू हैव टू प्लान और यू हैव टू रीशेड्यूल इस तरीके से आपके लिए ये वीक रहेगा इसी में अगर मैं बात करूं आपके लिए लेट मी सी द ओरिकल गाइडेंस रियसेस देखो दोबारा से आप बार बार सोचेंगे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए ऐसा करूं क्या नहीं बार बार हम जब माइंड में बार बार सोचते हैं अबाउट द थिंग्स कमिटमेंट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा क्या ये सही है क्या मूव ऑन कर लेना चाहिए क्या यहाँ से गेट ओवर होना है ऐसा एंड काम आपके माइंड को काम होने की ज़रूरत है स्पेशली इन करियर थिंग क्योंकि अब आपके लिए यहाँ पे न्यू रे ऑफ होप क्योंकि कुछ चीज़ें जो वाइंड अप हो रही हैं क्लोज हो रही हैं एंड हो रही हैं सो इट्स ऑल अबाउट द न्यू होप न्यू अपॉर्चुनिटी एंड न्यू डे सो दिस इज ऑल आई होप नाव यू हैव द क्लैरिटी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी एंड इफ़ यू वॉन्ट क्रिस्टल्स एंड जेम स्टोन तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए आई एल सजेस्ट यू बाय हाई पाइस जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनली एंड प्रोफेशनली सो पर्सनली वी हैव द टू ऑफ सॉ एंड प्रोफेशनली we have ten of wands. So Pisces ये एक ऐसा period है जहाँ पर personally आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके कंफ्यूज हो रहे हैं कि अब मुझे कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए या मुझे कौन सा वे आउट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ शॉर्ट बता रहा है आपका माइंड कुछ कह रहा है ऑप्शन चॉइसेस काफ़ी कंफ्यूजिंग हैं ये पर्सन और वो पर्सन या फिर कोलाब्रेशन कॉम्प्रोमाइज़ और आइधर कंप्लीट फाइट तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ स्टेज दिख रही है जहाँ पे कि कुछ चीज़ों को पीस पाने के लिए कामनेस पाने के लिए या फेवर में करने के लिए कि आप कुछ चीज़ों का कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो बेसिकली एक ऐसा पीडियो जहाँ पे यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग और आइ दर हैविंग कंफ्यूजन इन द ऑप्शंस, ओके? ऑल्डो यहाँ पर आपके लिए सपोर्ट भी दिख रहा है कि दो पार्टी अगर आपकी बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है किसी से या फिर कहीं पे बहुत सारी चीज़ें मिसमैच हैं, तो इस वीक में काफी चीज़ें एग्रीमेंट की तरफ जाएंगी सेटलमेंट होगा एक कोलाब्रेशन होगा कॉम्प्रोमाइज़ होगा बिटवीन द टू पार्टीज बिटवीन द टू पर्सन बिटवीन द टू फैमिलीज लाइक दिस और इवन इन योर माइंड माइंड में जो कन्फ्ट चल रहा है ये या वो वो भी रिजॉल्व हो जाएगा तो इट्स अ गुड पीरियड शांति मिलेगी पीस आ जाएगा एंड टेन ऑफ वंड्स वर्क में तो बहुत बर्डन दिख रहा है क्योंकि मल्टीपल थॉट्स हैं मल्टीपल प्लानिंग्स हैं मल्टीपल शेड्यूल्स हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन चीज़ों के को लेकर आप काफ़ी अपने आप को टायर्ड फील करेंगे कि ये भी करना है वो भी करना है ऐसा भी करना है वैसा भी करना है सो देर इज लाइक लॉट्स ऑफ वर्क यू कैन सी तो उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा अपने को बर्डन या लो एनर्जी में लेस एक्साइटमेंट और क्रेजी कम रहने वाले हैं मतलब कि आपकी एनर्जी थोड़ा सा बार बार कंसर्न में रहेगी क्योंकि मल्टीपल टास्क आप फॉलो कर रहे होंगे हैंडल कर रहे होंगे लेट मी सी ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है करियर में तो आप बिजी दिख ही रहे हैं सो लेट मी चेक ऑन दिस ओके सिक्योरिटी आपके लिए यहाँ पे आ रहा है सिक्योरिटी दिस इज द टाइम वेयर यू हैव टू थिंक अबाउट सिक्योरिटी योर सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर एंड दैट्स इंपॉर्टेंट ओके जैसे कि सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल पावर पे अपनी एनर्जी अपना स्पेस अपना टाइम इन सब पे ध्यान दीजिए सिक्योरिटी मतलब कुछ रिसोर्सेज नहीं इट्स ऑल अबाउट यू योर एनर्जी उस चीज़ पे ध्यान दीजिए आप वो कहाँ खर्च कर रहे हैं किसके साथ खर्च कर रहे हैं दूसरा आपके लिए यहाँ पे आ रहा है प्रायरटीज़ आपके लिए मैं बता रही थी ना बर्डन आ रहा है मल्टीपल टास्क मल्टीपल थिंग्स एंड एवरीथिंग डिस्टर्बिंग इट्स टाइम टू प्रायरटाइज कमिटमेंट उतना ही लो जितना कर सकते हो और अपनी प्रायरिटीज़ बनाइए क्या प्रायरिटीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या टास्क आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है व्हेन यू विल मेक अ प्रायरिटी शेड्यूल टाइम टेबल एवरीथिंग वर्क स्मूथली ओके सो दिस इज़ ऑल आई होप दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट द शेड्यूल ऑफ वर्क दिस इज़ ऑल अबाउट योर लाइफ एज वेल कि आप अपने लिए क्या प्रायरिटीज़ लेके चल रहे हैं तो आपको डिसअपॉइंटमेंट या बर्डन नहीं होगा सो आई होप नू हैव दिस क्लैरिटी और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी इफ़ यू वॉन्ट क्रिस्टल्स सो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए आई हेल सजेस्ट यू बाय